जय जगन्नाथ। आज हूँ 8 जुलाई सोमवार 2019 मसीहा आषाढ़ मास शुक्लपक्ष मिथुन 24 दिन श्रीमंदिर हेरा पंचमी। आज तिथि नक्षत्र षष्ठी दिवा 7:33 पर्यंत, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रात्र 7:09 पर्यंत, कन्या चंद्र 60 दंड अहरात्र, निषेध खाद्य निम्ब एवं दिवा 7:33 पर तालभक्ष निषेध। घातचंद्र वृष राशि घातचंद्र पुष्कदोष। मृत व्यक्ति एक पाद दिवा 7:33 पर 2 पाद एवं रात्रि 7:09 पर 1 पाद पुष्कदोष। यह शांतिकरणीय। शुभ बेला दिवा 8:47 रु दिवा 10:32, रात्रि 9:20 रु रात्रि 10:14 मध्ये। मेष राशि। दृढ़ मनोबल ने समस्त कार्य निर्वाह करिबे। देह और मन भल रहिब। महिला माने व्रत उपवास रे समय काटिबे। पारिवारिक सुख शांति उपलब्ध हेबो। आय पूर्व भलि रहिब। छात्र छात्री माने पढ़ापढ़ी रे शुभ फल पाइबे। बैंक और बीमा कर्मचारी के पाई दिनटी उत्तम साबस्त हेबो। व्यवसायिक दृष्टिकोण रे मध्य दिनटी शुभ फल हेबो। प्रतिकार माँ दुर्गा को दर्शन करंतु। माँ को मंदारमाळ अर्पण करंतु। वृष राशि। परामर्श नहीं कार्य कले कार्य सफलता पाइबे। देह और मन भल रहिब। कर्म क्षेत्र में उच्च प्रशंसित हेबे। आय वृद्धि पाइब। महिला माने खर्ची स्वभाव हेबे। सांसारिक जीवन में मधुरता आसिब। घातचंद्र भोग कारण जानवाहन उच्च जगह और निया और पानी प्रति सतर्क रुहतु। प्रतिकार भगवान गणेशों निकट में बुंदी लड़ू प्रसाद रूपे लगातु। मिथुन राशि। शारीरिक सुस्थता बजाय रहिब। कर्म क्षेत्र बेस शांतप्रद रहिब। रोजगार उत्तम हेबो। धर्म कर्म रे आसक्ति रहिब। महिला माने सुस्वादु व्यंजन प्रस्तुत करिबे। पड़ोसी संपर्क में मधुरता आसिब। छात्र छात्री माने पढ़ापढ़ी रे मनोनिवेश करिबे। व्यवसाय रे कारबार वृद्धि पाइब। प्रतिकार अस्वस्थ वृक्षमूल रे घी दीपटिए प्रज्वलन करंतु। कर्कट राशि। कर्म क्षेत्र में अग्रगति घटिब। शरीर सुस्थ और मन प्रसन्न रहिब। आय भल हेबो। पारिवारिक जीवन हर्ष उल्लास कटिब। राजनीति में महिला माने उच्च सम्मान पाइबे। छात्र छात्री माने परीक्षा रे उत्तम प्रदर्शन करिबे। व्यवसाय रे कारोबार वृद्धि सांग को उत्तम लाभ प्राप्ति हेबो। प्रतिकार नृसिंह भगवान को दर्शन करंतु। तांक निकट रे तुलसी माला और धला सुभाषित फूल अर्पण करंतु। सिंह राशि। शरीर सुस्थ और मन प्रफुल्ल रहिब। कर्म क्षेत्र में उच्च आशा नहीं कर्म संपादन करिबे। आशा फलवती हेबो। आय सामान्य वृद्धि पाइब। पारिवारिक जीवन शांतिपूर्ण रहिब। पड़ोसी संपर्क भल रहिब। कोर्ट कचेरी कार्य सुरखुरी संपन्न हेबो। महिला माने खर्ची स्वभाव हेबे। विद्यार्थी मानक दिनटी शुभंकर सब्यस्त हेबो। व्यवसाय लाभप्रद हेबो। प्रतिकार हनुमान को दर्शन करंतु। कपाल रे रक्तचंद्र टोपा लगांतु। कन्या राशि। मनस्ताप रे दिन कटिब। स्वास्थ्य हेतु समस्या देखादेव। अनावश्यक खर्च बढ़िब। धार करज अधिक हेबो। प्रत्येक कार्य बाधा विघ्न देखादेव। घात प्रतिघात मध्य दिनटी कटिब। पिला कली को नहीं पड़ोसी संपर्क तिक्तता आसिब। व्यवसाय रे क्षतिर आशंका रहुचि। प्रतिकार भगवान विष्णु को पूजा आराधना करंतु और विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करंतु। तुला राशि। स्वास्थ्यगत समस्या उपजीव। मन भाराक्रांत रहिब। कर्म क्षेत्र कार्य अबला प्रदर्शन कर उच्च अधिकारी क्रोधर शिकार हे। आय तुलना में व्यय अधिक हे। पारिवारिक विशृंखलता देखादेव। प्रति पदक्षेप सतर्क रहा पड़ो। शारीरिक आघात पाई जानवाहन जातायात बेले सावधान रुहतु। अग्नि और जल ठार दूरत्व बजाय रखु। प्रतिकार भगवान नृसिंह को पूजा अर्चना करंतु। बिछराशि। दृढ़ मनोबल ने समस्त कार्य सुचारू रूपे संपादन करिबे। शरीर आरोग्य और मन भल रहिब। कर्म क्षेत्र उत्साहप्रद रहिब। आय भल हेब। आशा करथुवा दिगरु अर्थ प्राप्ति हेब। जीवन साथी मधुर संपर्क बजाय रहिब। विद्यार्थी माने पढ़ापढ़ी को गुरुत्व देबे। व्यवसाय लाभप्रद रहिब। प्रतिकार रक्तवर्णर चंदन कपाल लगे यात्रा आरंभ करंतु। धनु राशि। दायित्ववान हेबे। समस्त कार्य निष्ठार से संपादन करिबे। आय और व्यय समान रहिब। कौनसी गठनमूलक कार्य तुलाइबे। महिला माने सुस्वादु खाद्य प्रस्तुत करिबे। गृह को बंधु आगमन होई पारे। परीक्षार्थी माने परीक्षा रे भल करिबे। व्यवसाय रे अधिक पुंजीर आवश्यकता पड़िबो। प्रतिकार विष्णु का मस्तक रे धळा फूल लागी करंतु। मकर राशि।
ମନ ବେଶ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ରହିବ, କର୍ମତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ସେବା ପୂଜା ପାଇଁ ମନ ବଳିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ, ଆୟ ଭଲ ହେବ, ସୁଖବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ପାରିବାରିକ ବୁଝାମଣା ଭଲ ରହିବ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ପ୍ରତିକାର, କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ମିଷ୍ଟାନ୍ନ କିମ୍ବା ଚକୋଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଥଣ୍ଡା କଫ ଭଳି ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ, ମନ ଉଦାସ ରହିବ, ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ କାରଣରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଦେବ, ଜମିବାଡ଼ିକୁ ନେଇ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ବାଦ ବିବାଦ ଦେଖାଦେବ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଅବହେଳା କରିବେ। ପ୍ରତିକାର, ଧଳା ଗାଈକୁ ପାଚିଲା କଦଳୀ, ଗୁଡ଼ ଓ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି, ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଉଚ୍ଚ ଆଶାବାଦୀ ହେବେ, ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରିବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ ରହିବ, ଆୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ମହିଳାମାନେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବେ। ପ୍ରତିକାର, ଲାଲ ଜନ୍ଦା ବା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଗୁଡ଼ କିମ୍ବା ଚିନି ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।